हेलो, गुड इवनिंग सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आप सभी लोग बहुत खुशनसीब हो कि आप घर पे हो, इसे आप कैद मत समझिए। ये वक्त का तकाजा, ईश्वर का आशीष है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, पेरेंट्स के साथ रह करके उनका जितना आशीष प्राप्त कर सकते हो प्राप्त करें, उनकी जितनी सेवा कर सकते हो उनकी सेवा करें, उनके साथ खुश रहें, उनके साथ खूब अच्छा समय बिताएं। क्योंकि बाहर रहकर मैंने जो देखा है, बहुत तकलीफ है पब्लिक के बीच में, बहुत लोगों को छोटी छोटी चीज़ों को तरसते जब देखते हैं, हम मदद करने का प्रयास करते हैं, तब जानते हैं कि वास्तव में जिंदगी के दो पहलू है। एक वो है जो बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं और एक वो है जो घर में रह रहे हैं। लेकिन संतोष दोनों जगह नहीं है। घर वालों को लगता है कि हम परेशान हो रहे हैं, किंतु मैं फिर कहना चाहूँगा, आप बहुत लकी हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, सुरक्षित हो। हम जब ड्यूटी पर जाते हैं, ग्लव्स लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज करते हैं, हर 10-10 मिनट में हाथ धोते हैं, पब्लिक की भी जब देखते हैं तो मालूम जानते हैं कि न जाने कितने बुजुर्ग व्यक्तियों को दवा नहीं मिल रही है। उनकी दवा लेकर के मैं चिट्ठी लेकर इंदौर आता हूँ, वो ला के घर पर पहुँचा देता हूँ। एक छोटी सी सेवा भाव के मन में होता है। कितने छोटे बच्चे रोटी के लिए तरसते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों की भी डेथ हुई है, उनके अस्थि संचय करने के लिए उनको उज्जैन तक जाने की अनुमति नहीं मिलती है, तो उनके लिए ऐसे मन द्रवित होता है कि उनके लिए क्या करें। शायद ये ईश्वर का कुछ संदेश है हम लोगों को, जाने अनजाने कुछ मिस्टेक हुई होगी, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि हम चूँकि ईश्वर को सभी मानते हैं, तो आज भी उनमें विश्वास है कि न जाने कब तक चलेगा, किंतु ये यकीन है कि एक दिन तो ये समाप्त होगा। उदासी भरे दिन कभी ना कभी तो ढलेंगे। और इतने ही मैं कहूँगा कि हम सब मन में विश्वास रख के चले कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्तों पे, भूलकर भी हमसे कोई भूल होना।